हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? माइक्रोफेजेस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी माइक्रोफेज है उनको हम मोस्टली किस नाम से जानते हैं? वो जानते हैं हम माइकोवायरस के नाम से। अभी ये माइकोवायरस होते क्या हैं? ये वो वायरस होते हैं जो कि इन्फेक्ट करते हैं किसको? फंजाई को, और रेप्लीकेट करते हैं किसमें? फंजाई में। दीज आर द वायरसेस दैट इन्फेक्ट फंजाई एंड रेप्लिकेट इनसाइड फंजाई। अगली चीज है इसमें वो ये है कि इनको और किस नाम से जानते हैं? इनको जानते हैं हम फंगल वायरस के नाम से और फंगीसाइडल वायरस के नाम से। तो आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि जो हमारे माइकोफेजेस हैं और जो हमारे माइकोवायरस हैं उनको और किस नाम से जानते हैं? तो वो होता है हमारा फंगीसाइडल वायरस और फंगस वायरस। अगली चीज है वो ये है, ये वायरस सबसे पहले रिकॉर्डेड हुए थे कहाँ पे? कल्टीवेटेड मशरूम में, जिसका नाम क्या था? एग्रिकस बाई स्पोरस। और कब मतलब रिकॉर्डेड हुए थे, किस टाइम पे हुए थे? इन द लेट 1940s। अगली और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वो ये है, एक टर्म वह माइको वायरोलॉजी। पूछ जाता है एग्जाम में एक नंबर में कि माइकोवायरोलॉजी क्या चीज होती है? तो माइकोवायरोलॉजी होती है, इट इज द स्टडी ऑफ वायरस इन्फेक्टेड फंजाई। मतलब कि हम उस फंजाई की स्टडी करते हैं इसमें जो कि इन्फेक्टेड होती है किससे? वायरस से। इट इज द स्टडी ऑफ वायरस इन्फेक्टेड फंजाई। अब बात करते हैं इसकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमारे माइक्रोफेजेस होते हैं ये मोस्टली आइसोडायमेट्रिक पार्टिकल्स होते हैं। मतलब इनकी शेप आइसोडियोमेट्रिक होती है। अगला पॉइंट है वो ये है कि मेजोरिटी ऑफ देम मतलब ज्यादातर जो माइक्रोवायरस होते हैं उनके पास में क्या होता है? सेगमेंटेड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम। मोस्टली कंटेन सेगमेंटेड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम। कुछ ऐसे भी माइक्रोफेजेस होते हैं लगभग 30% जो कि कंटेन करते हैं क्या? पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये चीज याद रखनी है। अब बात करते हैं इसके होस्ट के बारे में, इसकी होस्ट रेंज पता करते हैं। होस्ट रेंज, ये जो होता है वो पाया जाता है किसमें? चार फाइला में। किसके? टू फंजाई के, फाउंड इन फोर फाइला ऑफ टू फंजाई। और वो कौन सी टू फंजाई है चार? पहली होती है हमारी काइटिडियो माइकोटा, पहला होता है हमारा काइटिडियो माइकोटा, दूसरा जाइगोमाइकोटा, तीसरा एस्कोमाइकोटा, चौथा है वेसिडियोमाइकोटा।
ट्रू फंजाई फाइला में पाए जाते हैं। अब अगली चीज है, ये क्या सिम्टम्स शो करते हैं, सिम्टम्स इनके क्या सिम्टम होते हैं जब ये अफेक्ट कर देते हैं किसी फंजाई को। तो पहला सिम्टम होता है वो है पिगमेंटेशन, दूसरा सिम्टम ये शो करते हैं वो लैक ऑफ स्पॉरुलेशन, मतलब स्पॉरुलेशन कम होता है, स्पॉरुलेशन। और ये क्या करते हैं, ग्रोथ को रिड्यूस कर देते हैं, रिड्यूस्ड ग्रोथ। एक और इम्पोर्टेंट चीज है इसमें ये है कि हमारे माइक्रो वायरस हैं वो क्या करते हैं, फिनोटाइप में अल्टर कर देते हैं, मतलब उसमें चेंजेस लाते हैं, दे ऑल्सो अल्टर द फिनोटाइप्स। ये बात होगी इसके सिम्टम के बारे में। अब बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन के बारे में। ट्रांसमिशन नेचुरल वेक्टर जो होता है माइक्रो वायरस का वो अभी तक अननोन है। वो क्यों अननोन है, ड्यू टू लैक ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मूवमेंट फ्रॉम सेल टू सेल। नेचुरल वेक्टर वो क्या है, अभी तक अननोन है। और वो क्यों अननोन है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा सेलुलर मूवमेंट है वो अभी तक लैक है सेल से सेल तक, मतलब जो एक्स्ट्रा सेलुलर मूवमेंट होता है वो अभी तक पता नहीं हुआ है फ्रॉम सेल टू सेल, ड्यू टू लैक ऑफ मूवमेंट फ्रॉम सेल टू सेल। अगली चीज है इसमें वो ये है कि जो इसका इंटर सेलुलर ट्रांसमिशन होता है वो किसके थ्रू होता है, हाइफर फ्यूजन के थ्रू, हाइफर फ्यूजन। और किसके थ्रू, सेल डिवीजन। वो कैसे, सेक्सुअली या एसेक्सुअली, स्पोर्स। समझ में आ गई आपकी ये वाली बात कि कैसे ट्रांसमिशन होता है। अब बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में। मॉर्फोलॉजी ये जो माइक्रोवायरस होता है शो करता है मॉर्फोलॉजिकली वेरियर फॉर्म, इसकी जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है वो होती है बेसिलाइट फॉर्म, रॉड शेप की ये इनकी स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरह के, बेसिलाइट फॉर्म हो गया, रॉड शेप होता है, फिलामेंटियस होता है, और हर्पस। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जो मेजोरिटी ऑफ माइक्रो वायरस हैं वो आइसोडियामेट्रिक होते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जो कि रेंज करते हैं कितने डायमीटर में, 25 से 50 नैनोमीटर इन डायमीटर। और जो पार्टिकल वेट होता है वो कितना होता है, कहने का मतलब है जो इसका जीनोम का जो वेट होता है वो होता है हमारा 6 से लेके 13 तक × 10^6 डाल्टन। ये होता है इसके जो पार्टिकल वेट है वो, मतलब कि इसके जीनोम का वेट। अब बात करते हैं इसके रेप्लिकेशन के बारे में, थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लेते हैं। रेप्लिकेशन जो रेप्लिकेशन होता है माइक्रो वायरस का
वो किसके अंदर होता है? इनसाइड फंगल सेल। और ये सबसे पहले रिव्यू किसने किया था, मतलब इसका जो रेप्लिकेशन है वो रिव्यू सबसे पहले किसने किया था? वो किया था बक ने, साइंटिस्ट बक ने। कब? 1979 और 1980 में। उन्होंने क्या कहा था कि कुछ होस्ट एंजाइम कैपेबल होते हैं क्या करने के, ट्रांसक्राइब करने के, किसको? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को। किसमें? लेबोरेटरी कंडीशन में। रिपोर्टेड दैट सम होस्ट एंजाइम कैपेबल होते हैं क्या करने के, ट्रांसक्राइब करने के, किसको? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को। किस कंडीशन में? लेबोरेटरी कंडीशन में। ये उन्होंने बताया था, उन्होंने रिपोर्ट किया था। और ये बात होगी किसके बारे में? माइक्रोफेजेस के बारे में। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।